यहाँ पर सिलेंडर को माला चढ़ाया जा रहा है, क्यों मैडम ऐसा क्यों? सिलेंडर के लिए धरना करना पड़ता, सारा चीज के लिए लड़के लेना पड़ता। ये असली यही सोच है कि हम लोग इंडिया के अंदर है कि नहीं है। लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस किया था, प्रॉब्लम के लिए हम लोग पोलर जाना पड़ता, नहीं तो एक एक डिमांड के लिए अभी ऐसा लगता है कि हम लोग पोलर जाके ही डिमांड पूरा करना है, यहाँ से तो कुछ होता है नहीं करके। तक में आप सभी का स्वागत है, मैं लिटिल नमन हडवे से जयंती। आज दोबारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है एलपीजी गैस के लिए। पिछले महीने कुछ महीने पहले भी हुआ था, तब जाके सिलेंडर मिला था, तो 3-4 महीने हो गया, उसके बाद से अभी दोबारा नहीं मिल रहा है। आइए इसी विषय पर जानते हैं। यहाँ पर सिलेंडर को माला चढ़ाया जा रहा है, क्यों मैडम ऐसा क्यों? सिलेंडर को माला पहनाया? क्योंकि अभी भगवान के जैसे हो गया सिलेंडर हम लोग के लिए, हडवे वाले के लिए, इसलिए माला पहना के स्वागत करते हैं सर। अब नमस्ते सभी को। यहाँ पर जब ये सिलेंडर लेके आया, हमसे भी ज़्यादा महिला लोग, हमारा दीदी बहन अम्मा लोगों को ये जो तकलीफ मालूम है, असली में हम लोग जो साल में 12 सिलेंडर मिलना था, इतना हम लोग मेन बोलने से हम लोग लिटिल नमन के लिए सारा चीज़ के लिए हम लोग लड़के ही लेना पड़ता है। जैसा सिलेंडर होने दीजिए, बोट होने दीजिए, जो भी चीज़ पेट्रोल होने दीजिए, डीजल होने दीजिए, सभी हम लोग लड़के लेना पड़ता है। हम लोग ये समझ में नहीं आता कि हम लोग असली में इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के अंदर है कि नहीं, दूसरा बाहर देश में हम लोग कैदी बन के आए, ये हम लोग मालूम नहीं होता। क्योंकि इस तरह कोई आज के डेट में इंडिया डिजिटल इंडिया बन गया, एक गैस सिलेंडर के लिए आज हम लोग धरना करना पड़ता, वोट के लिए धरना करना पड़ता, सारा चीज़ के लिए लड़के लेना पड़ता। ये असली यही सोच है कि हम लोग इंडिया के अंदर है कि नहीं है। और आप लोग सिलेंडर अभी कब तक मिलेगा सर? अभी तो पता किया है कि अभी 2 दिन में आता है, 3 दिन में आता है। हम लोग पहले भी 10-12 दिन का पहले भी ये धरना का हम लोग रेडी किया था, तब ने बोला ना था कि वहाँ में 2 दिन के अंदर आप लोग सिलेंडर भेज देगा, आप लोग धरना वरना मत करिए। अभी फिर से अभी 10-12 दिन हो गया, अभी कल हम लोग ये लेटर परसों दिन जब जमा किया तो उन लोग बोलता है कि और 2 दिन के अंदर आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। ये उसमें मेन क्या है, ये धरना नहीं होना, पब्लिसिटी नहीं होना। अगर लिटिल पब्लिक जो है बाहर में जो उन लोग का जो डिमांड है वो बाहर नहीं आना, इसके लिए उन लोग सब दबा के रखने मांगता है कि 1-2 दिन में आप लोग काम कर देगा, लेकिन ये कोई काम नहीं होता है। तो सर हम लोग पिछले बार भी जट्टी में धरना करे तो सिलेंडर उतरा तो मिला, तो इस बार भी धरना करेंगे तो ही आएगा वोट? जी वही होता है मैडम, हम लोग जो है अभी धरना का बिना कोई भी काम नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम बाबुल दास है और मैं प्रधान ग्राम पंचायत नेताजी नगर का हूँ। मैंने एक लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस किया था 24/3/2022 को। ये लेटर में जो है हमारा क्लियर लिखा था डिमांड को, कॉपी टू इसमें जो है हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान था, डायरेक्टर सिविल सप्लाई का था, सेक्रेटरी सीसीएस का था और तहसीलदार लिटिल अंडमान का था। ये लेटर में जो है हमारा डिमांड यही था कि हमारा जो सिलेंडर जनवरी से लेके अभी अप्रैल चल रहा है, इसका बीच में एक ही बार जो सिलेंडर है हमारा माता बहनों को पूरा लिटिल अंडमान में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 4 महीना में एक सिलेंडर आता है तो 12 महीना में क्या 4 सिलेंडर से हमारा गुजारा चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए आज हमारे माता बहनों भाइयों सब सीसीएस के सामने उपस्थित हुआ है। ये आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन और सीसीएस मैनेजमेंट का पास जाना चाहिए, जो हमारा जो दिक्कत है पूरा लिटिल में सिलेंडर का, वो खाली धरना से नहीं, धरना करेगा फिर भेजेगा, फिर धरना करेगा फिर भेजेगा, ऐसा नहीं। हमारा हर महीना में जो है सिलेंडर का डिमांड है, हर एक महीना में जो है टाइमली सिलेंडर जो है हमारा लिटिल में पहुंचना चाहिए। नमस्कार मैडम, आज तक सबका स्वागत है। मैम पिछला बार भी हम लोग देखे थे धरना प्रदर्शन होने के बाद ही हम लोग एलपीजी गैस मिला, इस बार भी इस बार हम लोग सिलेंडर के डिमांड के लिए आके बैठे हैं। पिछला बार भी हम लोग धरना करके ही सिलेंडर उतारे थे, अभी भी हम लोग उसी के लिए आए, क्योंकि कितना महीना हो गया सिलेंडर देख के भी इतना सारा। हम लोग इतना लेडीज़ को ही प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, कुछ में ये प्रॉब्लम रहने से लेडीज़ को चूल्हा जलाना, और अभी भी कितना साल पीछे हम लोग पीछे चले गए कि अभी भी चूल्हा जला के पढ़ाई का लड़के लोग चूल्हा जला के अभी भी काम जाते हैं। और तो मैडम मतलब देखा जाए तो जब भी धरना करेंगे तभी एलपीजी आएगा हडवे में? ऐसे ही होता है, एक एक प्रॉब्लम के लिए हम लोग पोलर जाना पड़ता, नहीं तो एक एक डिमांड के लिए अभी ऐसा लगता है कि हम लोग पोलर जाके ही डिमांड पूरा करना है, यहाँ से तो कुछ होता है नहीं करके। हर छोटा से छोटा प्रॉब्लम हडवे से तो पोटबेर ही जाना, तो अभी क्या देखा जाए कि सिलेंडर लेके भी हम लोग बोट में जाए हर कोई? सिलेंडर तो कैसे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन क्या है कि उस लोग बोट के हिसाब से वो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम होता है कि सिलेंडर लेके ही नहीं आते।
वही तो प्रॉब्लम है। ये बार पिछला बार तो 4 महीने का बाद आया था, इस बार जो है 2 महीना पूरा हो गया। मैडम आप लोग कैसा मैनेज करते हैं 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना बाद जब आते सिलेंडर? कैसा मैनेज करेगा मैडम, सबको इंडक्शन लेते हैं, इंडक्शन से बनाते बनाते करंट चले जाए तो उसमें भी तकलीफ होता है, कितना मुश्किल उठाएगा भाई। इंडक्शन यूज करते तो करंट बिल भी ज्यादा ही आता है। वो तो बिल तो ज्यादा आएगा, बिल ज्यादा आएगा वो या दूसरा पता है, बाई चांस बनने के टाइम करंट चले जाए उसमें भी तकलीफ होता है, तो क्या कर सकता बोलिए, हर बार इसका पीछे लगाना पड़ता है। जी मैडम आप नमस्कार, मैं 16 किलोमीटर से आई हुई हूँ, सिलेंडर के लिए धरना दे रही हूँ। तो लास्ट 2 मंथ से बिल्कुल सिलेंडर हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है, हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ना तो पेट्रोल है ना तो तेल का कैरोसिन वगैरह भी तो नहीं मिलता है, जो कि हम लोग स्टॉव में कुकिंग करें तो हम कैसे करेंगे बोलिए, ये गर्मी में इसीलिए धरना प्रदर्शन। बारिश के टाइम धूप के टाइम ये चूल्हा जलाना, लकड़ी नहीं मिलता है, बहुत 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 मुश्किल होता है। हमें कम से कम हमें हर महीना हर एक एक महीना हमें 12 महीने में एक एक सिलेंडर तो देना चाहिए ना। इन लोग क्या करते हैं 6 महीना में कम से कम 12 महीना का 6 महीना का तो कल सिलेंडर देना ना, वो भी नहीं देते हैं। अभी लास्ट जनवरी में जब सिलेंडर आया तब आप लोगों को मिला? इन लोग क्या करते हैं 3 महीना पहले जो सिलेंडर लिए हैं उनको ही सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं, बाकी जो 3 महीना पहले लिए हैं उनको नहीं देते हैं, देते ही नहीं है। मैनेज कैसा करते हैं मैडम? पिछला बार हमने क्या किया था, घर के सामने वो गैस का गाड़ी जब आया था हमने क्या किया, रोक कर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा थोड़ा प्रोटेस्ट करे, उसके बाद जाके एक सिलेंडर मिला था बहुत मुश्किल से। मैडम हम लोग हटवे का हाल ये है कि धरना हो तो ही सिलेंडर आएगा वरना नहीं। वही तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को रूल में जो है 12 सिलेंडर मिलना है, तो हर बार क्या हम लोग ये धरना प्रदर्शन करके ये सिलेंडर मिलना, यही प्रॉब्लम है। अभी तो धरना हम लोग मजबूरी में देते हैं, हम लोग तो ऊपर तो हम लोग है, पंचायत है, जिला परिषद सब सब कुछ है, लेकिन उन लोगों से तो उन लोगों का बात भी नहीं सुनते, नहीं तो हम लोगों को आम पब्लिक को आने का जरूरत नहीं होता। हर बार पिछला बार भी इस तरह आप ही लोग तो आए थे और हटवे में हम लोग धरना किए थे, तो हर बार क्या हम लोग धरना प्रदर्शन करने के बाद ही गैस मिलेगा, कितना प्रॉब्लम हम लोग औरत लोगों को होता है तो हम ही लोगों को पता है। मैडम मतलब आप लोग कहीं कंप्लेन करें या फिर जो हटवे के जो प्रधान साहब सबसे बात हुआ है? हम लोग नेताजी नगर का प्रधान है हमारा, हम लोग हर मीटिंग में बोलते हैं, फिर हम लोग अभी मीटिंग चलता है उसमें भी बोलते हैं। बोलिए सर, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आपको सर? नहीं हम तो फोन कर रहे हैं, तो लोग मेडिकल मेंबर स्टाफ का डेथ हो गया था तो सब मेडिकल में है, तो कल तो मेरे सेक्रेटरी साहब ने हमको बोला कल शिफ्ट छोड़ता करके बोल के व्हाट्सएप में मैसेज किया। सर एक दिन दो दिन का तो प्रॉब्लम है ही नहीं सर, साल भर से सर यही चलता है सर। समझता है जो चीज़ हम समझता है, लेकिन शिफ्ट का कुछ प्रॉब्लम है जैसा इसी थोड़ा डिले होता है नेक्स्ट मेरा सर्विस के साथ नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा नहीं सर, 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना बहुत ज़्यादा है सर। वो तो है, अभी मेरा ख्याल से नेक्स्ट मंथ से सब क्लियर हो जाए, सारा शिफ्ट तो निकल गया सर्वे से, तो शायद मतलब श्योर है सर कि अभी कंटिन्यू मिलेगा सर सिलेंडर? मेरा सर्विस के हिसाब में हमको जो शिफ्ट का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम मैक्सिमम 70% ऐड किया, अभी वो हिसाब में होना चाहिए, हम तो सर्विस करने के लिए रेडी है 24 आवर्स। बात है सर, जब हटवे में सर बाकी सामान टाइम से आ रहा है सर, जैसे पेट्रोल डीजल नहीं होने से भी उसको दोबारा मैनेज करके लाता है सर, मगर सिलेंडर में सर क्यों ऐसा होता है सर? सिलेंडर तो डेंजर कार का मैडम, उस आज के ऊपर ओपन प्लेस में रख कर लेके आना पड़ता है, लकड़ी बोर्ड में तो अलाउ नहीं है। तो बाकी आइलैंड में सर पहुँच जाता है सर फिर? यहाँ बाकी आइलैंड में डोंगी में जाता है, लेकिन यहाँ डोंगी डिस्टेंस दूर है, कुछ इनकेस कुछ प्रॉब्लम होएगा तो फिर उसको जैसे डिस्टेंस जा सकते उसको लेके आने सर। उसके ऊपर में हम लोग इंक्वायरी आया था, हम लोग उसका भी जवाब दिया है और कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ का सिचुएशन इन्फॉर्म कर रहे हैं। वहाँ से ये सूचना है कि कल जो है एक बोर्ड जो है 3,500 से 4,000 के बीच का सिलेंडर लेकर के छोड़ेगा, और प्रॉब्लम जो CCS की तरफ से बताया जा रहा है वो ये है कि उनके पास में डेंजरस कार्गो लाने के लिए बोट्स अवेलेबल नहीं होते। तो सर बाकी आइलैंड में सर पहुंच रहा है सर, फिर सिर्फ हटवे के लिए सर ऐसा क्यों सर उस लोग बोलते हैं? वहाँ से जो कम्युनिकेशन हम लोग को होता है मैडम, हम लोग वही बता सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम लोग भी बता नहीं सकते हैं जी। और 200-300 ही आप भेज रहे हैं महीना में, एक ट्रिप एक हफ्ता में मरते हैं, अब 5 ट्रिप में मरते, मेरा कुछ सिलेंडर तो इधर पहुँचते हैं, कुछ लोग को आप एरिया को तो कवर कर सकते हैं, ये लोग कोई इंटरेस्ट नहीं मैडम। खाली मुद्दा है कि आपको शिप का प्रॉब्लम है, शिप से हमारा पब्लिक को लेना देना नहीं कुछ नहीं, हमारा डिमांड यही है, और इसके बाद में धरना ऐसे ही होएंगे धरना, तो जो भी है अगर अच्छा तरीके से हम लोग कर रहेगा धरना, बहुत भारी तरह धरना रहेंगे सर। कोविड से पहले सर ऐसा नहीं होता था, मिलता था शायद रेगुलर सिलेंडर ना आप सबको सर, इसका बात से सर क्यों सर ऐसा? नहीं यही था ना मैडम, ये लोग क्या हम लोग मजबूरी रोड में उतर रहा है, ये लोग गरीब लोग को सबको और सारा माता बहन का सुबह 10 बजे से ये में खड़ा है, कारण कौन है? इन लोग के बुलाता है,
उन लोग का एडमिशन का हम लोग डी सी साहब के कहीं लेटर लिखा, डी सी साहब को उन लोग वही बात बोल देता है, हम मेरे पास शिप नहीं है। फिर आप एक काम करो ना, आप छोड़ दो, आपके पास शिप नहीं है लिटिल अंडमान का, किसी की कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दो, अगर उसका आरसीसी बिल्डिंग बनता वो भी हम लोग प्राइवेट करके देगा। अगर वो गैस सिलेंडर कोई प्राइवेट वाला रह रहे उसका आरसीसी बिल्डिंग बनता कानून में रूल्स में, वो हम लोग प्रोवाइड करके देगा। आप छोड़ दो लिटिल अंडमान का गैस सिलेंडर का ये वाला, आप छोड़ दो, हम लोग यहाँ के लोगों को परेशान मत करो। तो सर आज का धरना से आगे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा? मैडम ये अच्छा बात पूछे आप, और अगर इसका बात भी अगर गैस सिलेंडर कल भी आ गया, आप सोचिए 4000 सिलेंडर अगर आया है सारा महल के बाद दो दो सिलेंडर खाली है। हमारा मान पूरा करो, जल्दी दो सिलेंडर दो, माता बहन का प्रॉब्लम सोल्व करो, माता बहन का प्रॉब्लम सोल्व करो, अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।